कथा कहानी किस्सा के सभी मित्रों को नमस्कार। कहते हैं मानव एक संवेदनशील जीव है। सच में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समाज कितना संवेदनशील है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक को टटोल लें तो निराशा ही हाथ लगती है। आज की कहानी इसी विषय से जुड़ी हुई है, तो आइए सुनते हैं भानु प्रताप की कहानी मैं काली नहीं हूं। किरण सोच रही थी कि अब पहुंच ही गए हैं तो कुछ देर सुकून से बैठना है। पहाड़ों के घुमावदार रास्ते चैन से बैठने कहां देते हैं। मैदान थोड़ी है कि गाड़ी चौथे पांचवें गियर में डाली और बैठ गए। यहां तो हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है। पूरे समय गियर, स्टेयरिंग, क्लच और ब्रेक पर ध्यान रहता है। आंखें सामने सड़क पर और कान मोड़ के दूसरी तरफ से आती हुई हॉर्न की आवाज पर। जगह जगह लिखा रहता है नजर हटी दुर्घटना घटी। अभी ने कौन समझाए कि खेल केवल नजर का नहीं है भाई, पूरा दिमाग और शरीर साधना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है, तब जाकर पहुंचा जाता है चिल्लू खाल। ये ऐसा स्थान है जो ना तो भारत के नक्शे में दिखाई देता है और ना ही गूगल मैप पर। यहां आकर महसूस होता है कि ऐसी जगह वास्तव में है जो दुनिया में होते हुए भी दुनिया से कटी हुई है। सरकारी नौकरी का यही तो रोना है, ट्रांसफर आदेश में ही लिखा रहता है तुरंत चार्ज देकर नई जगह पर चार्ज संभालें। उसे भी बहुत दिन हो गए थे शहर में। प्रदूषण, चिल्लपों और नेतागिरी से हाल बुरा हो गया था। आए दिन कोई ना कोई लफड़ा अस्पताल में जैसे होना ही था। घर से तैयार होकर अस्पताल जाते समय अजीब सा टेंशन दिमाग में रहता था। चलो मरीज तो हमें देखने ही हैं, लेकिन उनके रिश्तेदारों को संभालने का जिम्मा भी हमारा ही है। उस दिन एक गर्भवती महिला की जांच चल रही थी कि उनके पतिदेव बोले अल्ट्रासाउंड भी लिख दीजिए। ये कहे जाने पर कि जरूरत होगी तभी लिखा जाएगा, उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। पूरा अस्पताल इकट्ठा हो गया। देख लेने की धमकी देते हुए वो साहब तो चले गए, लेकिन इंचार्ज डॉक्टर साहब का मुंह दिन भर फूला रहा। जिस दिन तबादले का आदेश आया तो उसे बहुत राहत मिली, लेकिन चिल्लू खाल। साथियों ने समझाया कि आदमियों के भी दर्शन नहीं होंगे वहां, कैंसिल करवाओ ट्रांसफर किसी तरह। किरण ने बहुत सोचा पर कुछ समझ नहीं आया, तो निश्चय कर लिया कि जब भाग्य में यही लिखा है तो चलो वहीं चलते हैं। उसने सामान पैक करवाया और मन ही मन कहा डॉक्टर किरण शर्मा आ रही है चिल्लू। फार्मासिस्ट रावत जी की आवाज किरण को सुनाई पड़ी, डॉक्टर साहब क्या चाय बनवाऊं? उसने मुस्कुराकर हां में सिर हिलाया तो राजेश सिंह चाय की तैयारी करने लगा। उसे मिलाकर कुल 3 लोगों का स्टाफ है इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। उसके अलावा एक फार्मासिस्ट रावत जी और एक सहायक राजेश सिंह। शुरू में उसने अस्पताल की तरफ ध्यान दिया तो विश्वास सा नहीं हुआ। 2 कमरे की छोटी सी पीएचसी है ये, एक कमरा डॉक्टर का और एक कमरा दवाई का। एक छोटा सा कमरा अलग से है जो मरीजों का वेटिंग रूम है। इसी कमरे में जरूरत पड़ने पर राजे चाय बनाता है। जब चाय बनती है तब मरीज बाहर धूप में बैठ जाते हैं। अस्पताल साफ सुथरा था, इतने सफाई तो जहां से वो आई है उस जैसे बड़े अस्पताल में भी नहीं होते। अस्पताल अच्छा तो लग रहा था, लेकिन अभी इसमें और बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। रावत जी से उसने मरीजों से संबंधित रजिस्टर मांगे तो वो चौंक गए। उन्होंने बताया कि अस्पताल में बहुत कम लोग आते हैं, लोग आमतौर पर बीमार होते ही नहीं। हाँ, कभी कभी चोट फटाक वाले लोग पट्टी करवाने आते हैं। बात सच भी है, इतनी साफ सुथरी जगह पर कोई बीमार क्यों पड़ेगा। तभी किरण को वो पहली बार दिखाई दी। उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर वो किरण को ही देख रही थी। गोरे रंग की पतली दुबली औसत कद की इस औरत ने अपनी धोती कमर में खोसी हुई थी। पूरी आस्तीन के ब्लाउज के ऊपर आधी बांह का पतला सा स्वेटर उसने पहना हुआ था। सिर पर गोल गोल घुमाकर उसने चादर लपेटी हुई थी। उसकी आंखें छोटी छोटी सी थीं, लेकिन एकदम चमकदार। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर को देखकर वो खुश हुई है। किरण भी उसे देखकर मुस्कुराई और उसने सिर हिलाकर उसे अंदर आने का इशारा किया। उसने अंदर आने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि रावत जी चिल्लाए, अरे वहीं रुक, वहीं, मैं बाहर आकर ही दवा लगा दूंगा। उसने रावत जी को देखा तो वो बोले, कुछ नहीं डॉक्टर साहब, थोड़ी चोट लगी है, पट्टी बंधवाने आती है। किरण ने हाथ का इशारा करके उसे अंदर ही बुला लिया। वो लगातार किरण को ही देखे जा रही थी और उसके चेहरे से मुस्कुराहट हट ही नहीं रही थी। सामने स्टूल पर उसे बैठाने और पट्टी हटाने के बाद किरण पांव में लगी चोट को देखने लगी। पांव गहरा कट गया था।
रावत जी ने बताया कि किसी की बछिया गड्ढे में गिर गई थी, उसे निकालने ही वहां उतरी थी। टूटी हुई कांच की बोतल से उसका पैर कट गया। चिल्लू खाल में वो उसकी पहली मरीज थी। किरण ने पर्चा बनाने के लिए उसका नाम पूछा। उसने किरण को देखा और उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। किरण ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? रावत जी ने बताया, इसका नाम काली है। काली? काली क्या? रावत जी ने बताया कि उसे काली ही कहते हैं। क्यों? उसकी जानने की इच्छा हुई तो पता चला कि वो ना तो बोल ही पाती है और ना ही सुन पाती है। ओ, इसीलिए इसकी आंखें इतना बोलती हैं। उम्र? रावत जी ने ही जवाब दिया, 42 साल। काली लगातार उसे ही देखे जा रही थी और उसके होंठों पर मुस्कान बनी हुई थी। जाते समय काली ने फिर से उसकी तरफ देखा और हाथों से कुछ इशारा किया। वो कुछ समझी नहीं। रावत जी ने बताया कि कह रही है आप बहुत अच्छी हैं। किरण को ऐसा लग रहा था कि इस महिला का पूरा व्यक्तित्व खुशी से भरा हुआ है। एक अलग तरह का अपनापन है जो बहुत कम दिखाई देता है। काली की उपस्थिति से उसके मन का वो कोना भी भरा भरा सा लग रहा था जो बहुत समय से सुनसान सा हो गया था। बहुत दिनों बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो सच में खुश थी। उसकी खुशी उसकी मुस्कुराहट में दिख रही थी। काली चली गई लेकिन पूरे अस्पताल को जगमगा गई। रावत जी और राजे के लिए शायद ये सामान्य बात थी, लेकिन क्या बिना किसी छल कपट के ऐसा स्नेह हो सकता है? कम से कम उसने तो कभी नहीं देखा था। रावत जी बता रहे थे कि गांव में काली अकेले ही रहती है। माँ बाप का देहांत हो गया है, दो भाई हैं, दोनों ही दिल्ली में नौकरी करते हैं। इसकी देखभाल कौन करता है? उन्होंने बताया कि सब भगवान के भरोसे है। जहां तक देखभाल की बात है, कौन करेगा इसकी देखभाल? यही देखती है पूरे गांव को। ये ना हो तो गांव वालों की आफत आ जाती है। किसी के मकान में छत डालनी हो, किसी के खेत में कुछ काम हो, किसी की गाय के लिए घास कम पड़ रही हो, या किसी भी तरह की परेशानी हो, काली हमेशा मौजूद रहती है। अच्छा, इसका नाम काली क्यों है? अच्छी खासी तो है ये। रावत जी ने बताया कि जो बच्चे जन्म से ही किसी विकलांगता के साथ पैदा होते हैं, उनके लिए गांव में अक्सर कोई अच्छा सा नाम नहीं ढूंढा जाता। क्योंकि काली में न सुनने और बोलने का दोष है, इसलिए इसे सब काली कहने लगे। काली चली गई थी लेकिन किरण पूरे दिन उसके प्रभाव से नहीं निकल पाई। उसके रहने का प्रबंध गांव में ही कर दिया गया था। एक छोटा सा साफ सुथरा घर था, काली ने ही पूरी साफ सफाई की थी। घर के मालिक अब बाहर चले गए हैं, साल दो साल में गांव का चक्कर लगाते हैं। उनसे पूछकर रावत जी ने यह घर उसके लिए किराए पर ले लिया था। सामान कमरे में रखकर किरण बाहर आंगन में लगी कुर्सी पर बैठ गई। सामने चौखंबा और त्रिशूल पर्वत की बर्फीली चोटियां चमक रही थीं। उनके नीचे के पहाड़ बादलों और धुंध में लिपटे हुए थे। हल्की सी ठंडक उसे महसूस हुई। थोड़ी देर में काली दूध लेकर आ गई। काली की दो गायें हैं और इसलिए दूध का प्रबंध करने की जिम्मेदारी उसकी हो गई। उसने दूध उबाल भी दिया और चाय भी बना दी। फिर शुरू हुआ किरण और काली का संवाद। उसके लिए ये एकदम नया अनुभव था। उसकी बात काली के समझ में कुछ परेशानी के साथ आ रही थी, लेकिन काली क्या कहना चाह रही है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। काली काफी हद तक होंठों की हरकत से बात समझ जाती थी। वो बता रही थी कि उसे छोटा बच्चा बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन रावत जी ने बताया कि काली की शादी नहीं हुई है। जिस बच्चे की वो बात कर रही थी उसका नाम राजू है और वो उसके पड़ोस में रहता था, लेकिन 5-6 महीने पहले ही अपने माँ बाप के साथ वो दिल्ली चला गया था। जब तक राजू गांव में रहता था, काली के ही साथ रहता था, उसकी माँ को भी आराम रहता। घर के काम धाम में राजू की फिक्र नहीं करनी पड़ रही थी। पहाड़ के इस अस्पताल में सच में बहुत कम काम था। दिन भर कोई किताब पढ़ने, चाय पीने और स्टाफ के साथ गप मारने के अलावा और कुछ था ही नहीं। हाँ, काली अक्सर आते जाते इधर का चक्कर लगा लेती। काली की पोटली में उसके लिए कभी आम तो कभी नारंगी होती। पहाड़ के जंगल में होने वाले फल भी वो लाती और वो दोनों ही मिलकर उन्हें खाते। गांव में और औरतें भी थीं, लेकिन किसी के पास उसके लिए समय नहीं था। सब अपने अपने काम में मस्त थे। काली और किरण के बीच बातचीत अब सरल हो गई थी। वो काली की बातें समझने लगी थी और काली को तो उसकी बात समझने में परेशानी थी ही नहीं। गाहे बगाहे वो राजू को याद करती, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा की तरह खुशी रहती थी। काली ने बताया कि उसे सरकार की तरफ से कुछ पैसे भी मिलते हैं जो पोस्ट ऑफिस में उसके खाते में आते हैं, लेकिन इन पैसों को वो छेड़ती नहीं। किसी ने बताया कि उसके भाई जब भी गांव आते हैं उसे साथ लेकर पोस्ट ऑफिस जाते हैं और पैसे निकलवा लेते हैं। उसका काम वैसे भी आराम से चल जाता है। गांव में किसी का भी काम काली के बगैर नहीं चलता,
इसलिए गांव वाले भी उसका पूरा ध्यान रखते हैं। क्या उसे अपना नाम काली अच्छा लगता है? एक बार किरण ने यह पूछा तो काली उसे देखने लगी। जितना इशारों में हुई बातचीत से किरण समझ पाई वो यही था कि नाम उसे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन किया क्या जा सकता है। अब तो गांव के सभी लोग उसे इसी नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन बच्चे जब उसे इस नाम से चिढ़ाते हैं तो वह बहुत दुखी हो जाती है। दिन बीत रहे थे और काली और उसकी दोस्ती गाढ़ी हो गई थी। उसने कभी इतना सुख और संतोष अपने किसी दोस्त के साथ नहीं पाया जितना काली के साथ मिलता था। वो दोनों कभी कभी देवी के मंदिर चले जाते और देर तक वहां बैठे रहते। ऐसे ही किसी मौके पर काली ने किरण से पूछा था कि उसकी शादी हुई या नहीं। उसने काली को बताया कि शादी तो हुई थी पर चल नहीं पाई। काली ने सिर हिलाया और फिर उसे समझाया कि अच्छा हुआ, गलत आदमी के साथ रहने से तो अकेला रहना ही अच्छा है। उसके ये पूछने पर कि काली ने शादी क्यों नहीं की, वो मुस्कुराने लगी। फिर उसने बताया कि एक मूक बधिर का प्रस्ताव उसके लिए आया था, लेकिन ना तो उसके भाई ही माने और ना ही उसने हाँ की। क्यों? काली ने आंखें बड़ी करते हुए समझाया, उसका बच्चा भी उसके जैसे हो जाता तो क्या होता। बहुत दिनों बाद आज काली कुछ ज्यादा ही खुश थी। सुबह सुबह पता चला था कि आज राजू वापस आ रहा है। आजकल छुट्टियां हैं इसलिए उसके माँ बाप भी वापस आ रहे हैं। कुछ दिन गांव की मौज मस्ती रहेगी। काली ने उनके लिए कुछ भुट्टे जमा किए हुए थे, मौसमी फल जुटा लिए थे और दूध का प्रबंध कर दिया था। राजू अब 1.5 साल का हो गया है, ये बताकर काली खुश हो रही थी। अस्पताल बंद होने के बाद किरण घर वापस आई और आराम करने की सोचने लगी। आज काली सुबह से नहीं दिखाई दी थी। उसने भी सोचा राजू के साथ व्यस्त हो गए। शाम तक जब काली का पता नहीं चला तो उसने इधर उधर पूछा। किसी ने कहा कि वो अपने घर में ही है। वो काली के घर पहुंची तो वो दरवाजा अंदर से बंद करके बैठी हुई थी। काली ने दरवाजा खोला तो उसको देखकर वो घबरा गई। क्या हुआ? उसने इशारे से पूछा। दूसरों को खुशी से सराबोर कर देने वाली काली के बाल बिखरे हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे। काली किरण से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। पर हुआ क्या, क्या हुआ? वो बार बार इशारे से कहे जा रही थी, मैं काली नहीं हूं, मैं काली नहीं हूं। काली से मिलकर जो बात किरण की समझ में आई वो यही थी कि राजू घर आ चुका था। काली चहकती हुई राजू से मिलने उसके घर पहुंची। राजू को गोद में उठाने और चूमने के लिए वो तरस रही थी। राजू की माँ ने राजू को उसके पास जाने के लिए कहा। सुबह से वे बच्चे को समझा रहे थे कि काली आने वाली है। अब राजू काली को पहचाना नहीं और असमंजस में था। उसकी माँ ने पूछा, ये कौन है बताओ? अपनी तुतलाती हुई जुबान में उसने कहा, काली, ये काली है। हमेशा मुस्कुराने वाली काली का चेहरा फक पड़ गया। वो वापस घर लौट आई। काली किरण से लिपटकर लगातार रोती जा रही थी। किरण जानती है कि काली के मन में प्रेम का कभी ना खत्म होने वाला जगमगाता सोता है, लेकिन इस सोते को दिमाग की ऊंचाइयों से नहीं केवल दिल की गहराइयों से महसूस किया जा सकता है। मैं काली नहीं हूं। अभी आप भानु प्रताप की लिखी यह कहानी सुन रहे थे। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार।